नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र तिवारी आप सभी का मेरे सिर ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईर्ष्या, जलन, जेलेसी, इन शब्दों से आप भलीभांति परिचित होंगे, मतलब इन शब्दों को तो आपने सुन ही रखा होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये कितनी भयंकर बीमारी है जो न सिर्फ आपको शारीरिक नुकसान पहुंचाती है बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी आपको कमजोर करती है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि जेलेसी या ईर्ष्या क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, ये क्यों होती है, इसके क्या रीजन है, अगर किसी को ये जेलेसी है तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे दूर होने के या इसको अपने अंदर से निकालने के क्या उपाय हो सकते हैं, अगर ये सब चीज आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ईर्ष्या और जलन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों ही अलग प्रतिक्रिया है, अलग भावना है। क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, मतलब क्रिया एक ही है लेकिन के दो रूप है, ऐसा या दो शब्द है, ऐसा नहीं है, दोनों ही अलग अलग प्रतिक्रिया है। तो पहले हम देखते हैं जलन को। जलन वो चीज होती है, यानी जेलेसी वो चीज है या वो भावना है या वो प्रतिक्रिया है इंसान की, जिसमें इंसान को जो चीज खुद की है उसको खोने का डर होता है या उससे दूर जाने का डर होता है, उस समय जो प्रतिक्रिया होती है इंसान की उसको बोलते हैं जलन। ठीक है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपको बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है उससे, लेकिन आपको एक दिन घूमने गए, आपको लगा कि यार मेरा जो दोस्त है वो तो किसी और से बात कर रहा है, किसी और से ज्यादा क्लोज है मेरी बजाय, उस समय जो भावना आपको उत्पन्न होगी उसको बोलते हैं जलन या जेलेसी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ईर्ष्या की। ईर्ष्या वो भावना है या वो प्रतिक्रिया है इंसान की, जिसमें उसको लगता है कि जो चीज उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, यानी वो चीज जो उसके पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए। सपोज करिए कि मेरे एक दोस्त के पास एक लग्जरी कार है लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मुझे उसकी कार को देखकर क्या होगी, ईर्ष्या होगी। तो ये होता है ईर्ष्या। तो आपको समझ में आया कि ईर्ष्या अलग चीज होती है और जलन अलग चीज होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कारणों की, कि आखिर ये चीजें क्यों होती है इंसान के अंदर, ये भावनाएं या ये प्रतिक्रिया इंसान के अंदर क्यों आ जाती है। तो मेरे हिसाब से इसके तीन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि दूसरों की सफलता, जो आपके करीबी हैं या जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनमें किसी पर्टिकुलर इंसान की सफलता को देखकर आपके अंदर जेलेसी या ईर्ष्या की भावना आ जाती है। ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण होता है अपनी असफलता, यानी खुद की असफलता। सामने वाले की तो सफलता है उसके कारण से आपको जेलेसी या ईर्ष्या की भावना आ रही है, लेकिन जब खुद असफल होते किसी काम में तो भी इंसान के अंदर जेलेसी की भावना आ जाती है। क्योंकि जब खुद असफल होते हैं जाहिर है कोई ना कोई सफल होगा, उसको देखकर आपको ईर्ष्या की भावना या जलन की भावना आपके अंदर डेवलप हो जाती है। तीसरी चीज है आपकी अक्षमता, यानी आपका ना कर पाना उस चीज का, आपके पास उतना क्षमता या उतनी साहस नहीं होना जितना कि उस काम को करने में होता है। तो ये तीन चीजें आपको किसी भी इंसान से जेलेसी या ईर्ष्या की भावना पैदा करने के लिए पर्याप्त है। अगर ये तीन चीज आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी किसी से जेलेसी हो नहीं सकते। तो चलिए हमने ये तो जान लिया कि ये तीन वजह होती है किसी भी इंसान के अंदर इस प्रकार की भावना को डेवलप करने के लिए। लेकिन इससे प्रॉब्लम या इससे नुकसान क्या हो सकते हैं आपको, ये देखते हैं पहले। तो सबसे पहले तो समय की बर्बादी, क्योंकि आप हमेशा सामने वाले से जलती रहोगे, आप अपने बारे में कभी सोचोगे ही नहीं, तो क्या होगा, समय की बर्बादी होगी। दूसरा, आपके विचारों का विकृत होना, गंदा होना, यानी आपके विचार जो है वो दिन ब दिन क्या होते जाएंगे, खराब होते जाएंगे। ठीक है, अब जब विचार खराब होंगे तो आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो अगला वाला पॉइंट क्या है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, ये दूसरा तीसरा नुकसान हुआ। इसके बाद नेगेटिविटी का बढ़ जाना, आपके अंदर आपकी जो पर्सनालिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आप हमेशा क्या होगा कि नकारात्मक बातें ही सोचोगे, सामने वाले को लज्जित करने के लिए, सामने वाले को नीचा गिराने के लिए या उससे आगे निकलने की होड़ में आप हमेशा एक नेगेटिव विचार ही रखोगे अपने अंदर। इसलिए क्या होगा कि आपका जो विचार है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी और इस वजह से आपके जो रिलेशन है वो बिगड़ते जाएंगे। जब आप इन सभी कारणों में उलझे रहोगे तो आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा यानी जो पूरी एनर्जी है वो अपने वर्क पे, जो आपका काम है उस पे फोकस नहीं कर पाओगे या उस पे अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगा पाओगे, और जिससे आप अपना काम समय पर नहीं कर पाओगे और साथ ही उस काम को अच्छी तरीके से भी नहीं कर पाओगे। इस वजह से
आपको उस काम में यानी आपके काम में सफलता नहीं मिल पाएगी। इस तरह से ये सारी चीजें जो है यानी कि कुल मिला के ईर्ष्या और जलन जो है वो आपकी सफलता के मार्ग में भी बाधक है। इस कारण से इन चीजों को कभी अपने पास नहीं आने देना चाहिए। लेकिन सपोज करिए आप एक जलनशील व्यक्ति बन गए, जलनशील मतलब आपके अंदर जलन की भावना बहुत बढ़ गई है, आप ईर्ष्यालु व्यक्ति यानी कि बहुत ईर्ष्या करते हैं लोगों से, इस प्रकार का व्यक्तित्व आपका बन गया है, तो किस प्रकार से इसको दूर कर सकते हैं हम? भाई चलो ये तो हो गया, अब कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं उन चीजों से निकलना चाहता हूँ, उस भावना से, उस जो मेरे जो बीमारी मेरे को लग गई है, कौन सी बीमारी? ईर्ष्या की बीमारी या जलन की बीमारी जो मेरे को लग गई है, उस बीमारी से मैं मुक्ति चाहता हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ, तो ऐसा क्या करूँ कि इससे मैं निकल पाऊँ? तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग समाधान की, कि जो ईर्ष्या की भावना है उसको कैसे कम किया जाए या उससे कैसे बचा जाए। चलिए बात करते हैं पहले उपाय की, यानी कि किस तरह से हम अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो आप अपनी ईर्ष्या को सराहना में बदल दीजिए, यानी कि आप जिससे भी आप जलन रखते हैं, जिससे भी आप ईर्ष्या रखते हैं, उसकी हर कामयाबी पे यानी हर उसके अच्छे काम पे आप उसकी सराहना कीजिए, यानी कि आप उसको कांग्रेचुलेट कीजिए, उसको बधाई दीजिए, ये नहीं कि उससे जलन रखिए। ये पहली बात, यहां से आप स्टार्ट करिए अपनी जलन वाली बीमारी को दूर करने के लिए। दूसरा, आप अपनी ईर्ष्या को अपने एम को अचीव करने में लगाइए, यानी जो आप ईर्ष्या की भावना रखते हैं किसी से भी, उसमें जो एनर्जी वेस्ट होती है, उस एनर्जी को आप अपना जो एम आपने सेट किया है उसको अचीव करने में लगाइए। तीसरा, कंपेरिजेशन से बचिए, मतलब तुलना से बचिए। अक्सर क्या होता है कि हम हमारी तुलना किसी और व्यक्ति से करने लग जाते हैं, यार वो तो इसकी हाइट तो बहुत है लेकिन मेरी हाइट कम है, यार उसके तो बहुत बाल है लेकिन मेरे तो कम है, यानी कुछ भी इस तरह की हम क्या करते हैं, कंपेरिजेशन करने लग जाते हैं दूसरे व्यक्ति से। इस वजह से हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है, हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं और इस वजह से हमारी एनर्जी और लो होने लगती है और हम हमारे एम तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए आप कभी भी किसी से तुलना मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने जो भी बनाया है वो सोच समझ कर बनाया है, जो भी आपको दिया है सोच समझ कर दिया है। अगर आप अपने ऊपर अपने आप को कम समझ रहे हैं, यानी कुल मिला के आप ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं, यानी ईश्वर की जो कृति है, आप क्या है ईश्वर की, क्या है कृति, कृति मतलब है उनकी बनाई हुई चीज है, तो आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, यानी आप ईश्वर को ही कुल मिला के सही नहीं समझ रहे। इसलिए आप कभी अपने आप को कम मत आके किसी से भी। चौथा, आप अपनी एबिलिटी पे फोकस कीजिए, यानी दूसरों की सफलता को देखने की बजाय अगर आप अपनी एबिलिटी, जो भी आपकी एबिलिटी है किसी प्रकार की, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ एबिलिटी तो होती ही है, तो जो भी आपकी एबिलिटी है आप उसी पे फोकस कीजिए, उसी को आप आगे बढ़ाइए, वही एबिलिटी आपको एक दिन सफलता के मार्ग पर या सफलता के जो टॉप पोजिशन है उसके ऊपर पहुंचा देगी। पांचवा, आप अपने बड़ों के प्रति, यानी जो भी आपके बुजुर्ग है, बुजुर्ग का मतलब ये नहीं होता कि बूढ़े इंसान, यानी आपसे जो बड़े हैं आप उनके प्रति हमेशा थैंकफुल रहिए, कृतज्ञ रहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे बड़ों को की अवहेलना करते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते, इस वजह से भी हमारे अंदर नेगेटिविटी आती जाती है। एक और सबसे बड़ी बात, आप जो बदल सकते हैं उसे बदल दीजिए और जिसे नहीं बदल सकते उसे स्वीकार कर लीजिए। क्या होता है कि हम वो बदलने की सोचते हैं जो हमसे नहीं बदला जा सकता। सपोज करिए मैं चाहूं कि यार मैं बहुत गोरा हो जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं चाहूं कि यार मैं मोटा हो सकता हूं, मैं बॉडी बना सकता हूं, तो वो बना सकते हैं आप। यानी कि जो चीज आप कर सकते हैं उसके लिए आप तन मन धन से लग जाइए उसके पीछे, लेकिन जो आप नहीं कर सकते हैं उसको आप स्वीकार कर लीजिए कि नहीं यार मेरा तो कलर ऐसा ही है, भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया, तो कोई बात नहीं। आप जब इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आपके अंदर जेलसी की भावना नहीं आएगी। सातवां, थैंकफुल और पॉजिटिव व्यक्तित्व के लोगों के साथ आप समय बिताइए। जो लोग थैंकफुल होते हैं, कृतज्ञ लोग होते हैं, और जो पॉजिटिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनके साथ आप बैठा उठा करिए, मतलब उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, क्योंकि होगा क्या कि जैसे जैसे आप गलत टाइप के लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिव पर्सनालिटी वाले लोगों के साथ रहोगे, तो आपके अंदर भी वही चीज आएगी, लेकिन आप जब आप सकारात्मक लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, उनके साथ रहोगे, उनके साथ समय बिताओगे, तो आपके अंदर भी ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। अगला बहुत जरूरी पॉइंट है, अपना नजरिया बदलिए। बहुत बड़ी बात है ये, जब आप अपना नजरिया बदल दोगे अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगी, क्योंकि कई बार हम हमारे नजरिए के कारण भी परेशान हो जाते हैं। हम
हर चीज को उसी तरह से देखना पसंद करते हैं जो हमें पसंद होती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हर चीज का अपना एक तरीका होता है, लेकिन हमें क्या लगता है कि हम जैसा देख रहे हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसी ही सब चीज हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आप अपने नजरिए को बदलिए। डेली कम से कम आप 5 से 10 लोगों की तारीफ कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप तारीफ करने लोगों की, वैसे वैसे आपके अंदर से जलसी की भावना, ईर्ष्या की भावना कम होती चली जाएगी। क्योंकि हम क्या होता है कि दूसरों की सफलता पे क्या करते हैं, तारीफ नहीं करते उसकी, उसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ गलतियां निकालते हैं। इस वजह से हमारी जो अंदर की जलसी है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम तारीफ करना शुरू करेंगे लोगों की, तो वैसे वैसे हमारे अंदर से जलसी की भावना, ईर्ष्या की भावना कम होती चली जाएगी। जो जरूरतमंद लोग हैं आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको सहायता कर सकते हैं, जो भी उनको चाहिए आप उनको दे सकते हैं, अगर आप दे सकते हैं तो। और सबसे बड़ी बात लास्ट में, लेकिन सबसे बड़ी बात, आप ईश्वर पे भरोसा रखिए। जो भी आपको मिलना है वो मिलकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप इन सभी चीजों को छोड़कर, दूसरों से जलना, पीछे भागना या रेस लगाना किसी से, इन सभी चीज से दूर रहकर आप सिर्फ एक बात रखिए ध्यान, कि आप ऊपर वाले पे, ईश्वर पे भरोसा रखेंगे। अगर ईश्वर पे भरोसा रखा तो आपको वो सारी चीज मिल जाएगी जो आपको चाहिए। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।